क्वेट अब बलोचिस्तान का कैपिटल सिटी है और आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 10वां बड़ा शहर है। क्वेटा सतह समंदर से 1680 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इसे फ्रूट्स गार्डन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि क्वेटा में फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स की बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं और क्वेटा के दिलचस्प लोकेशन की वजह से इसे मिनी पेरिस भी कहा जाता है। आज हम आपको क्वेटा के 10 मशहूर और तारीखी मकामात के बारे में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 1, हन्ना लेक। हन्ना झील क्वेटा मेन सिटी से 14 किलोमीटर बाहर मौजूद है। हन्ना झील पहाड़ों के दरमियान बहुत ही इम्प्रेसिव नजारा पेश करती है। हन्ना लेक 1894 में ब्रिटिश दौर के दरमियान बनाई गई थी। गर्मियों में इस झील का शीशे जैसा पानी आपको पहाड़ों का दिलकश नजारा पेश करेगा और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ जमी रहती है। आप जब भी क्वेटा जाएं तो हन्ना लेक को जरूर विजिट करें। नंबर 2, कन मेहतरजाई रेलवे स्टेशन। कन मेहतरजाई बलोचिस्तान का नामवर रेलवे स्टेशन है जो क्वेटा से बाहर और सतह समंदर से 2224 मीटर की ऊंचाई पर वाक्य है। इस रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए आपको क्वेटा मेन सिटी से 2 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा। नंबर 3, पिशन वैली। पिशन वादी क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर मौजूद है। इस वादी में 1000 एकड़ तक फ्रूट्स की प्लांटेशन हुई है। पिशन वादी बलोचिस्तान की एक जरखेज जमीन है। यह वादी गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत नजारा पेश करती है और सर्दियों में यहाँ पे बर्फबारी की वजह से टूरिस्ट की रसाई मुश्किल हो जाती है। नंबर 4, कायदे आजम रेजिडेंसी। ये रेजिडेंसी ज्यारत में मौजूद है जहाँ पे पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी जिंदगी के आखिरी 2 महीने और 10 दिन बिताए थे, जहाँ पे नर्स नेथलिन ने कायदे आजम का ध्यान रखा था। ये रेजिडेंसी बलोचिस्तान और पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन लैंडमार्क है जो 1892 में ब्रिटिश दौर के दरमियान तामीर की गई थी। नंबर 5, हजरतगंजी चिल्तन नेशनल पार्क। ये पार्क हजरतगंजी और चिल्तन पहाड़ों के दरमियान मौजूद है। हजरतगंजी का मतलब है हजार खजाने। ये बलोचिस्तान का एक खूबसूरत नेशनल पार्क है जो ग्रीनरी, पहाड़ों की छांव और वाइल्ड लाइफ की वजह से काफी मशहूर है, जो क्वेटा मेन सिटी से 16 किलोमीटर दूर वाक्य है। आप जब भी क्वेटा जाएं तो हजरतगंजी चिल्तन नेशनल पार्क को जरूर विजिट करें। नंबर 6, क्वेटा बाजार। क्वेटा के बाजार टूरिस्ट के लिए बेहतरीन स्पॉट है। यहाँ पे 3 बड़े बाजार मौजूद हैं, जिनमें सूरजगंज बाजार और लियाकत बाजार जो के शाहराह लियाकत पर वाक्य है, और तीसरा बाजार कंधारी बाजार है जो शाहराह इकबाल पर मौजूद है। इन बाजारों में आपको बलोची कल्चर के कारपेट और कम कीमत में ड्राई फ्रूट्स भी मिल सकते हैं। नंबर 7, अस्करी पार्क। अस्करी पार्क क्वेटा में FC हॉस्पिटल के पास मौजूद है। ये पार्क 1990 में पाकिस्तान आर्मी की जेरे निगरानी बनाया गया था। इस पार्क में हर उम्र के लोग और फैमिलीज आती हैं और बेहतरीन वक्त बिताती हैं, और बच्चों के लिए यहाँ पे ड्रैगन राइड और मिनी ट्रेन राइड भी मौजूद है। इस पार्क के अंदर अलग अलग खाने पीने के स्टॉल्स भी मौजूद हैं और इस पार्क में ईद फेस्टिवल भी मनाया जाता है जहाँ पे क्वेटा के लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। नंबर 8, उरक वैली। उरक वादी क्वेटा से 22 किलोमीटर दूर मौजूद है, जिसे बागात की सरजमीन भी कहा जाता है। इस वादी में आपको बहुत बड़े पैमाने पर आड़ू, सेब और अनार के बागात मिलेंगे। इन सब के साथ साथ ये वादी दिलचस्प और दिलकश नजारा भी पेश करती है। नंबर 9, क्वेटा म्यूजियम। इस म्यूजियम को आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ बलोचिस्तान भी कहा जाता है। ये म्यूजियम नवाब अकबर खान बुगटी क्रिकेट स्टेडियम के पास मौजूद है। ये एक छोटा म्यूजियम है लेकिन इसमें सिंध के मोहनजोदड़ो और बलोचिस्तान के पत्थरों के जमाने की बाकियात और तस्वीरी गैलरी भी मौजूद है। इस म्यूजियम में आपको मुगल हुक्मरान औरंगजेब के जमाने का हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद भी मिलेगा। नंबर 10, कोहे मुर्दार। ये पहाड़ मुर्दार पहाड़ी सिलसिले में मौजूद है। कोहे मुर्दार पहाड़ी सिलसिले की सबसे ऊंची चोटी सिलोर गशा है, जिसकी ऊंचाई 10,446 फीट है और ये क्वेटा का चौथा बड़ा पहाड़ है। कोहे मुर्दार पे आपको जंगली जानवर भी मिलेंगे, जिनमें लोमड़ी, खरगोश, भेड़िए और जंगली परिंदे शामिल हैं। ये थे बलोचिस्तान के शहर क्वेटा के 10 मशहूर मकामात। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।